वेलकम टू प्रिसिशन इंग्लिश क्लासेस। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि किस तरीके से हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। आज उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए हम देखेंगे कि अगर हमारे सब्जेक्ट्स दो या दो से ज्यादा हो और हमने उनको ज्वाइन किया हो तो किस तरीके से हम उनके साथ वर्ब यूज करेंगे। ओके, तो इसमें हमारा सबसे पहला रूल ये कहता है, इफ टू और मोर सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय एंड देन प्लूरल वर्ब विल बी यूज्ड। ठीक है, कि अगर हमारे सेंटेंस में दो सब्जेक्ट्स हैं और हमने उनको एंड से जॉइन किया है, जैसे राम एंड अब्दुल आर माय फ्रेंड्स। ओके, तो हमने हमारे पास यहाँ पर दो सब्जेक्ट्स हैं, राम एंड अब्दुल, हमने इनको ज्वाइन किससे किया है, एंड से, तो हमने हमारी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब क्या लगी है, प्लूरल। ठीक है, हाँ एंड नीता आर सिस्टर्स, हमने यहाँ पर स्नेहा और नीता दो सब्जेक्ट्स, दो नाउन है, इनको हमने एंड से ज्वाइन किया और साथ में हमने प्लूरल हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई, स्नेहा एंड नीता प्ले कबड्डी। ओके, हम यहाँ पर दो नाउन्स को ज्वाइन कर रहे हैं, दो सब्जेक्ट्स को ज्वाइन कर रहे हैं एंड से, और हमने यहाँ पर जो अपनी वर्ब लगाई है वो क्या लगाई है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाई है, प्ले। अगर हम सिंगुलर वर्ब लगाते तो वो क्या होती, प्लेस। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि सिंगुलर वर्ब के लिए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस को ऐड करते हैं। ओके, तो हमारा फर्स्ट रूल बहुत सिंपल और क्लियर है कि अगर हमारे पास सेंटेंस में दो सब्जेक्ट्स हो और हमने उनको एंड से ज्वाइन किया हो तो हमारी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब हमेशा क्या होगी, प्लूरल फॉर्म में। रूल नंबर टू कहता है, इफ टू और मोर नाउन्स एंड एडजेक्टिव्स आर जॉइंड बाय एंड बट ओनली वन पर्सन और आइडिया इज डिस्कस्ड देन सिंगुलर वर्ब विल बी यूज्ड। ओके, कि हम दो या दो से ज्यादा नाउन्स और एडजेक्टिव्स को ज्वाइन कर रहे हैं लेकिन हम एक ही पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं या कोई एक पर्टिकुलर आइडिया डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, माय बहुत कॉमन सेंटेंस है, माय फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड हैज कम, गाइड हैज कम। ओके, सो माय फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड, अब इस सेंटेंस में हमारे पास तीन नाउन्स है, फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड, और हमने इन तीनों मतलब एंड से जॉइन कर दिया, बट हम एक इंसान की बात कर रहे हैं, हमें कैसे पता लगा, हमें पता लगा इस डिटर्मिनर से। ओके, अगर डिटर्मिनर किसी एक नाउन के आगे लगा हो तो दैट मीन्स हम पूरे सेंटेंस में किसी एक पर्सन की बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर हैज कम, द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर हैज कम, यहां पर जो डिटर्मिनर है द वो हमने डायरेक्टर के सामने लगाया है, द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर नहीं है, द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर, तो हम यहां पर क्या यूज कर रहे हैं, सिंगुलर वर्ब। ओके, तो अगर हमारे पास दो या दो से ज्यादा हम नाउन से एडजेक्टिव्स को ज्वाइन कर रहे हैं, अब एडजेक्टिव लेते हैं, अ ब्लैक एंड ब्राउन डॉग वाज बार्किंग एट मी। ठीक है, अ ब्लैक एंड ब्राउन डॉग, अब यहां पर हमारा अ जो हमने डिटर्मिनर है वो दो एडजेक्टिव्स है, ब्लैक एंड ब्राउन दो एडजेक्टिव्स है, और अ जो डिटर्मिनर है वो हमने ब्लैक के सामने यानी कि एक एडजेक्टिव के सामने लगाया, तो इसका मतलब ब्लैक एंड ब्राउन जो डॉग है वो एक डॉग है। ठीक है, अ ब्लैक एंड ब्राउन डॉग वाज बार्किंग एट मी, और हमने यहाँ पर जो अपनी हेल्पिंग वर्ब ली है वो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ली है। ओके, आई होप आई एम क्लियर कि अगर हमारे पास दो या दो से ज्यादा नाउन्स या एडजेक्टिव्स को हमने ज्वाइन किया है एंड से लेकिन हम एक आइडिया डिस्कस कर रहे हैं तो हमारी हेल्पिंग वर्ब हमेशा ही सिंगुलर फॉर्म में यूज होगी। ओके, अब इसी सीक्वेंस में रूल नंबर थ्री हमें क्या कहता है, इफ टू और मोर नाउन्स एंड एडजेक्टिव्स आर जॉइंड बाय एंड बट डिटर्मिनर
is used before each, then plural verb will be used. ठीक है, अब देखिए rule number two हमें क्या कहता था कि हमने दो या दो से ज्यादा nouns और adjectives को join कर दिया और determiner हमने एक के सामने लगाया, तो वो एक determiner हमें क्या show करता है कि हम एक idea या एक person को discuss कर रहे हैं. तो हमने क्या use की थी, singular verb. लेकिन हम यहाँ पर determiner is used before each, हम determiner दोनों के सामने लगा रहे हैं या हर एक के सामने लगा रहे हैं. तो that means हम एक इंसान की बात नहीं कर रहे उस sentence में, हम एक से ज्यादा इंसान की बात कर रहे हैं. That means हमारा जो subject हो गया वो क्या हो गया, plural हो गया. जैसे example है, a poet and a musician are coming here. ठीक है, अब यहां पर हमारे जो determiner है a, हमने क्या poet के सामने भी लगा दिया और musician के सामने भी लगा दिया. This shows that poet is one individual and musician is another individual. माने हमारे sentence में हमारे पास दो individuals की हम बात कर रहे हैं. Poet एक अलग इंसान है, ठीक है, और musician कोई अलग इंसान है और वो दोनों आ रहे हैं. तो हमने verb कौन सी लगाई, plural लगाई. ठीक है, the director, जैसे हमने पिछले sentence में लिया था, the director and producer has come. ठीक है, the जो determiner है वो मैंने director के सामने लगाया, producer के सामने नहीं लगाया. तो मैंने helping verb क्या use की, has, singular. लेकिन अगर मैं इसको कर दूं the director and the producer, तब यहाँ has नहीं, have. हम plural verb लगाएंगे. क्या लगाएंगे, plural helping verb लगाएंगे. ओके, बिकॉज इट शोज दैट डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर आर टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स, तो अलग अलग इंसान है और हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो जाता है और इसीलिए हम हेल्पिंग वर्ब को भी क्या लगाते हैं, प्लूरल लगाते हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर देखिए सिर्फ एक डिटर्मिनर की तो बात है, अ पोएट एंड, अब मैं अगर यहाँ से म्यूजिक, अ पोएट एंड म्यूजिशियन, अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या आ जाएगा, इज एंड आर में. ठीक है, तो हमें ध्यान देना तो सिर्फ अ पे ही है ना, कि अगर तो डिटर्मिनर दोनों के सामने लगा है तो यहाँ पर आर आएगा, और अगर यहाँ पर डिटर्मिनर एक के सामने लगा है तो इस आएगा. ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो आप इसको ध्यान से समझिए कि अगर डिटर्मिनर एक के सामने लगा है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होगी, और डिटर्मिनर हमारा दोनों के सामने लगा है तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होगी. ओके, नेक्स्ट रूल इस सीक्वेंस में हमें कहता है कि टू अनकाउंटेबल नाउन्स आर जॉइंड बाय एट, कि अनकाउंटेबल नाउन्स जैसे जिन्हें हम गिन नहीं सकते, मिल्क, फर्नीचर, एयर, वाटर, ठीक है, ये सब क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है. कि अगर हमारे सेंटेंस में दो अनकाउंटेबल नाउन्स को हमने एट से ज्वाइन किया हो, ठीक है, लेकिन हम जो सब्जेक्ट या आइडिया डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है, अलग अलग है, तब हम उसमें क्या यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे. ठीक है, जैसे पॉवर्टी एंड मिजरी, ये जो एग्जांपल्स हैं, ये एग्जांपल्स वही हैं जो हमसे प्रीवियस ईयर में पूछे भी गए हैं. सो दीज आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि इनसे एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रिवाइज हो जाते हैं एंड यू गेट अ क्लियर आइडिया कि आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है. ठीक है, तो पॉवर्टी एंड मिजरी कम टूगेदर, ठीक है, अब पॉवर्टी और मिजरी दोनों अनकाउंटेबल नाउन है, हमने इनके साथ क्या यूज किया, प्लूरल वर्ब. क्या यूज किया, प्लूरल वर्ब. वॉटर एंड एयर आर essential for us, कि पानी और हवा हमारे लिए जरूरी है, तो water and air, ठीक है, हमने r लगाया, because water and air दो uncountable noun को हमने join किया, पानी की हमें जरूरत है, हवा की हमें जरूरत है, ये दो अलग अलग nouns को हमने join किया है. ठीक है, दो different subjects हमारे पास join हो गए, तो हम यहाँ पर helping verb क्या लगा रहे हैं, plural helping verb. okay, so हमने दो अनकाउंटेबल नाउन्स को जब ज्वाइन किया तो हमने उनके साथ प्लूरल वर्ब लगाई, बट इसमें एक एक्सेप्शन है, या आप ऐसे समझ सकते हैं कि कुछ पेयर्स अनकाउंटेबल नाउन्स के ऐसे होते हैं, हम उनको एंड
से तो ज्वाइन करते हैं, बट उनका जो मीनिंग होता है, आइडिया होता है, वो सिंगल आइडिया होता है, तो हम उनके साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही लगाते हैं। जैसे एक बहुत फेमस प्रोवर्ब है, अगर आप बचपन से आपने हमने पढ़ी है, स्लो एंड स्टीडी। अब यहाँ पर स्लो एंड स्टीडी, यहाँ पर मैंने दो नाउन्स को ज्वाइन किया, ठीक है, मैंने यहाँ पर वर्ब लगाई है, वो क्या है, सिंगुलर वर्ब है, बिकॉज रेस जीतने के लिए स्लो और स्टीडी, ठीक है, दोनों चीजों की जरूरत है। तो यहाँ पर एक कॉम्पैक्ट आइडिया हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, जैसे राइस एंड करी, नेम एंड फेम, इसके अलावा है एज एंड एक्सपीरियंस, ब्रेड एंड बटर। ये कुछ ऐसे पेयर हैं, कुछ और भी आपको इस लिस्ट में कुछ और भी हैं, तो ये ऐसे हैं कि जो दो को हमने ज्वाइन किया है एंड से, लेकिन ये वन कॉम्पैक्ट आइडिया को डिस्कस करते हैं, तो हम उनके साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। एग्जांपल लिखते हैं, जैसे नेम एंड फेम इज व्हाट आई वांट इन माय लाइफ, इज व्हाट आई वांट इन माय लाइफ, कि मुझे अपनी जिंदगी में नाम और शोहरत की जरूरत है, ठीक है। ब्रेड एंड बटर इज डिफिकल्ट टू अर्न दीज डेज, ब्रेड एंड बटर इज डिफिकल्ट टू अर्न दीज डेज, ब्रेड एंड बटर, लेकिन यहां पर मैं हेल्पिंग वर्ब क्या लगा रही हूँ, सिंगुलर लगा रही हूँ, ओके। सो आई होप आई एम वेरी मच क्लियर विथ द सेंटेंस स्ट्रक्चर जब हम दो सब्जेक्ट्स को एंड से ज्वाइन करते हैं। जब हम अपने सब्जेक्ट्स को एंड से ज्वाइन करते हैं, उससे रिलेटेड हमने रूल्स डिस्कस कर लिए हैं। अब हम एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन का एक सेट डिस्कस कर लेते हैं, इससे हमें क्वेश्चंस का आइडिया हो जाएगा और साथ ही साथ आपको एग्जाम्स में इनको जल्दी से सॉल्व करना भी आ जाएगा, ओके। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ओके। सो पहला सेंटेंस है, माई ब्रदर एंड माई गार्जियन वॉन्ट्स मी टू गो अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज, ठीक है, कि मेरे ब्रदर और मेरे गार्जियन मुझे विदेश भेजना चाहते हैं पढ़ने के लिए। तो इस सेंटेंस में हमारे में एरर कहाँ है, देखिए ध्यान से देखिए, माय ब्रदर एंड माय गार्जियन, कि हमारे पास जो डिटर्मिनर है वो हमने ब्रदर और गार्जियन दोनों के सामने लगाया है, इसका मतलब जो ब्रदर है वो गार्जियन नहीं है, यानी कि हम दो पर्सन की बात कर रहे हैं, दो पर्सन की बात कर रही है, तो हमारी जो यहाँ पर वर्ब होगी वो क्या आएगी, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी, क्या आएगी, plural helping verb, that will be want. So correct sentence kya hoga, my brother and my guardian wants me to go abroad for higher studies, okay. Hum yahan par singular helping form ki jagah plural helping form use karenge. Second sentence hai, Churchill was a great orator and a great politician of his time, theek hai. To hum yahan par Winston Churchill ki baat kar rahe hain, jo ek individual hai, ki wo apne samay ke ek mahan vakta और पॉलिटिशियन थे, ठीक है। अब चर्चिल जो है, जिनकी हम बात कर रहे हैं, वो कोई एक इंडिविजुअल है, ठीक है, तो अगर वो एक इंडिविजुअल है, तो मैं उनके लिए जो एडजेक्टिव्स यूज कर रही हूँ, वो उनके सामने मैं डिटर्मिनर दोनों के सामने यूज नहीं कर सकती। चर्चिल वॉज अ ग्रेट ऑरेटर एंड पॉलिटिशियन, ठीक है, चर्चिल वॉज अ ग्रेट ऑरेटर एंड पॉलिटिशियन ऑफ हिज टाइम, बिकॉज अ ग्रेट ऑरेटर और पॉलिटिशियन के सामने कॉमनली यूज होगा, क्योंकि चर्चिल एक इंडिविजुअल है, हम एक इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड सेंटेंस देखते हैं, द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर वर नॉट प्रेजेंट इन मीटिंग, द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर, अब हमने डिटर्मिनर सिर्फ सेक्रेटरी के आगे लगाया है, तो दैट मीन्स सेक्रेटरी और ट्रेजरर दोनों एक ही इंडिविजुअल है, अगर वो एक ही इंडिविजुअल है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, वर की जगह हम वॉज लगाएंगे, द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर वॉज नॉट प्रेजेंट इन मीटिंग, ओके। फोर्थ सेंटेंस देखते हैं, द पोएट एंड टीचर आर नो मोर, सेम है,
द जो है वो पोएट एंड टीचर दोनों के लिए हमने लगाया है, यानी कि हमने एक डिटर्मिनर का यूज किया है पोएट के सामने। जब हम एक डिटर्मिनर का यूज करते हैं इसका मतलब एक इंडिविजुअल, और जब हम दो जगह डिटर्मिनर लगाते हैं तो इसका मतलब दो अलग अलग इंडिविजुअल, तब हम प्लूरल वर्ब लगाते हैं। अब यहाँ पर पोएट एंड टीचर जो है वो एक ही इंडिविजुअल है, तो यहाँ पर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, द पोएट एंड टीचर इज नो मोर। ठीक है, फिफ्थ सेंटेंस देखते हैं, अ म्यूजिक एंड अ डांस शो हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड टू रेज फंड्स। सो अ म्यूजिक एंड अ डांस शो, कि एक म्यूजिक शो और एक डांस शो, क्योंकि डिटर्मिनर मैंने दोनों के सामने लगा दिया ना, तो अब अगर दो शो हैं तो हम उनके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अ म्यूजिक एंड अ डांस शो हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड टू रेज फंड्स। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन हमसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। बहुत बेसिक टॉपिक था बट बहुत इंपॉर्टेंट। आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड इफ यू लाइक इट डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।